मुख्यमंत्री आदित्यनाथ योगी द्वारा प्रधानमंत्री आवास योजना एवं प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के लाभार्थियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से वर्चुअल संवाद किया गया। बुलंदशहर के कुल 5,630 लाभार्थियों को 39,50,00,000 रुपए की धनराशि मुख्यमंत्री के द्वारा एक क्लिक के माध्यम से लाभार्थियों के खातों में पहली, दूसरी और तीसरी किश्त की धनराशि ट्रांसफर की गई। वर्चुअल संवाद में जिलाधिकारी रविंद्र कुमार सहित नगर मजिस्ट्रेट, परियोजना अधिकारी डूडा एवं संबंधित अधिकारियों द्वारा भी प्रतिभाग किया गया। मामूली विवाद में जमकर चले लाठी डंडे, हुई ताबड़तोड़ फायरिंग में दो लोगों को लगी गोली। पुलिस के मुताबिक शराब के नशे में अपनी अपनी पत्नियों की सुंदरता को लेकर बहस कर रहे थे पीड़ित और आरोपी। मामूली विवाद के बाद जमकर हुई फायरिंग। विवाद बढ़ने पर आरोपियों ने किया धारदार हथियार से हमला और करीब 6 राउंड फायरिंग। घटना में 3 लोग घायल। घटना को अंजाम देकर आरोपी मौके से फरार। सूचना पर पहुंची पुलिस ने घायलों को अस्पताल में कराया भर्ती। आरोपियों की तलाश में जुटी पुलिस। बुलंदशहर के अरनिया थाना क्षेत्र के गांव क्योली खुर्द का मामला। तहसील सिकंदराबाद के गांव कोंदू में निर्माणाधीन ईपीसी पद्धति पर अटल आवासीय विद्यालय के निर्माण कार्यों का जिलाधिकारी रविंद्र कुमार ने स्थलीय निरीक्षण कर स्थिति का जायजा लिया। डीपीआर के अनुसार निर्माण कार्यों में सामग्री का प्रयोग करने के डीएम ने दिए निर्देश। निर्माण कार्यों को तेजी से कराते हुए निर्धारित समय सीमा तक कार्य पूरा करने के दिए निर्देश। 60 करोड़ की लागत से सिकंदराबाद के गाँव कोंदू में करीब 5.50 हेक्टेयर भूमि पर बनाया जा रहा अटल आवासीय विद्यालय। निरीक्षण के दौरान मौके पर एसडीएम सिकंदराबाद भी रहे मौजूद। रिपोर्टिंग चोला चौकी बनी थाना। एडीजी मेरठ, आईजी रेंज मेरठ, जिलाधिकारी बुलंदशहर व एसएसपी ने थाना चोला का किया उद्घाटन। थाने पर 4 उपनिरीक्षक, 10 मुख्य आरक्षी, 17 आरक्षी, 3 महिला आरक्षी, 1 कंप्यूटर ऑपरेटर को किया गया नियुक्त। नवसृजित थाना चोला को सिकंदराबाद सर्किल के अंतर्गत किया गया समायोजित। नवसृजित थाने में पड़ने वाले कुल 36 गांव हैं। वर्तमान में जनपद बुलंदशहर में कुल महिला थाना सहित 27 थाने थे। नवसृजित थाना चोला बनने के बाद से जनपद में हुए अब कुल 28 थाने। ऊर्जा में जन्माष्टमी की तैयारी हुई पूरी। श्रद्धालुओं ने सजाए मंदिर। मंदिर व घर घर में भक्तिभाव का पावन पर्व श्री कृष्ण जन्माष्टमी की धूम देखने को मिली। मंदिरों में पूजा अर्चना करते नजर आए श्रद्धालु। तो वहीं खुर्जा में निकाली गई झांकी में खुर्जा विधायक विजेंद्र सिंह ने नंदलाला के बाल स्वरूप और लड्डू गोपाल को झूले में झुलाया। इस दौरान भगवान श्री कृष्ण के लिए महिलाओं द्वारा नृत्य भी किया गया। सैकड़ों लोग झांकी में रहे मौजूद। महिला से दुष्कर्म के आरोपी युवक को पुलिस ने भेजा जेल। गांव की ही एक महिला ने युवक पर लगाया था दुष्कर्म का आरोप। बुलंदशहर के गाँव निवासी दीपक पुत्र निरंजन सिंह को नंगला फुरवारी मोड़ से संबंधित धाराओं में गिरफ्तार कर पुलिस ने भेजा जेल। बुलंदशहर के थाना अहमदगढ़ क्षेत्र का मामला। बुलंदशहर में भ्रष्टाचार की जांच करने पहुंचे एडीजी फायर ब्रिगेड विजय प्रकाश। जहांगीराबाद में निर्माणाधीन फायर स्टेशन की जांच करने पहुंचे एडीजी फायर। हाल ही में गिर गया था निर्माणाधीन फायर स्टेशन का छज्जा। प्रारंभिक जांच में भी नजर आई खामियां। तस्वीरों में साफ दिखाई दे रहा है कि किस तरह एडीजी ने दी सख्त चेतावनी। मेरठ की केशव ब्रदर्स को मिला था बिल्डिंग बनाने का टेंडर। एडीजी के दौरे के बाद एसपी ग्रामीण ने दी मीडिया को जानकारी। न्यूज डेस्क, टाइम 24 न्यूज। चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें।